वेलकम टू द डेस्क फ्रेंड्स। आज मैं आपको वो ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिस ट्रिक से आप किसी भी सेंटेंस को, दुनिया के किसी भी सेंटेंस को, हिंदी सेंटेंस को दो मिनट में इंग्लिश में बनाना आप सीख जाएंगे। एक ऐसी ट्रिक जिसको जानकर आप दुनिया के किसी भी हिंदी सेंटेंस को फटाक से चुटकियों में आप इंग्लिश में बना देंगे और फिर आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास, लेट्स स्टार्ट द क्लास। मैं अपने पिताजी के साथ बाजार जा रहा हूँ। तो सिंपल है, सबसे पहले मैं, इसमें सब्जेक्ट है तो वाई लिखेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में जा रहा हूँ, तो जा रहा का इंग्लिश होता है गोइंग और हूँ का इंग्लिश होता है एम, तो एम लिख दिया हमने। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर लास्ट में है हूँ तो एम लिखा, फिर उसके बाद जाना है तो गो लिखा, और रहा हूँ है तो आई एन जी लिखेंगे। मतलब जब भी रहा रहे आएगा तो उसमें आई एन जी जरूर लगता है। उसके बाद, इसके बाद आ रहा बाजार, तो गोइंग टू मार्केट। इसके बाद है पिताजी के साथ, ओके फ्रेंड्स, तो साथ है तो विथ लिखेंगे, फिर किसके साथ, विथ फादर, अपने फादर, मीन्स माई फादर। ये बन गया सेंटेंस चुटकियों में। इसी तरह से आप किसी भी सेंटेंस को, किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में चुटकियों में बना सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रहना चाहिए कि पहला वाला जो सब्जेक्ट है हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद बिल्कुल लास्ट में चले जाइए। देखिए, यू, आपको दूध पीना चाहिए, तो यू आपके लिए हम यू लिखेंगे, फिर चाहिए के लिए शुड लिखेंगे, यू शुड। उसके बाद पीना, ड्रिंक। उसके बाद मिल्क, और ये बन गया सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से आप दुनिया के किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में बना सकते हैं। लेकिन अगर हम सेंटेंसेस इस तरीके से लिखें तो फिर कैसे बनेगा फ्रेंड्स। YouTube पर न जाने कितने लोग इंग्लिश सिखाते हैं और इस तरह के थंबनेल लगाते हैं कि दो मिनट में आप दुनिया के किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना सीखें। हिंदुस्तान के सारी हिंदी फिल्मों के डायलॉग्स आप इंग्लिश में बोलना सीखे चुटकियों में, इस तरह के फार्मूला बताकर। लेकिन आप ही सोचिए कि क्या ये फार्मूला हर तरह के सेंटेंस के लिए काम आएगा। आपके सामने हम अभी का अभी सबूत दे देते हैं सेंटेंसेस के द्वारा। तुम अपने पिताजी के साथ कहाँ जा रहे हो, तो आप, हम इसको इस फार्मूले से बनाते हैं, तो क्या बनेगा, चलिए बनाते हैं। यू, ओके, पहला लिख दिया, फिर हो के लिए आर, यू के साथ आर लगता है, फिर जा रहे हो के लिए गोइंग, फिर कहाँ के लिए वेयर, फिर साथ के लिए विथ, फिर तुम्हारे पिताजी तो योर फादर। अब ये देखिए, ये क्या बना, यू आर गोइंग वेयर विथ योर फादर। क्या ये सेंटेंस सही है? अगर हम इस फॉर्मूले को, इस ट्रिक्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। तो क्या यह कहना सही है कि दुनिया के किसी भी सेंटेंस को इस फॉर्मूला के द्वारा बनाया जा सकता है? लिखते हैं लोग, थंबनेल पर लिख देते हैं कि दुनिया के किसी भी सेंटेंस को आप चुटकियों में बनाना सीखिए, सेकेंडों में बनाना सीखिए, और आप लोग देखते भी हैं। और देखकर आप, मेरे पास एक स्टूडेंट आया था और वो बोल रहा था कि सर देखिए ना कितना अच्छा ट्रिक बता रहा है इंग्लिश बनाने का, फटाफट एकदम पहले से शुरू कीजिए, एकदम उल्टा उल्टा बना दे जाइए, किसी भी सेंटेंस को हम बना सकते हैं। तब मैंने इसको बताया और मुझे विचार आया कि मुझे एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए। और आप लोग उसी तरह के वीडियो ज़्यादातर देखते हैं लेकिन इंग्लिश सीखता कोई नहीं है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ वही फ़र्क कि क्या इस फॉर्मूले को लागू करके या इस ट्रिक्स को फॉलो करके हम दुनिया के सारे सेंटेंस को इंग्लिश में बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। यही पर सेंटेंस है, देखिए, यू आर गोइंग वेयर विथ योर फादर। क्या यह सेंटेंस सही है? बिल्कुल गलत है। इसका सही सेंटेंस क्या होगा? तो इसको हम सही तरीके से कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन होगा, वेयर आर यू गोइंग विथ योर फादर। तुम अपने पिताजी के साथ कहाँ जा रहे हो? Where are you going with your father? Okay, friends? तो ये फॉर्मूला सही है।
लेकिन अगर इस ट्रिक्स को, इस फॉर्मूले को हम अगर अपनाते हैं तो सेंटेंस गलत बनेगा। हाँ, कुछ सेंटेंसेस हैं जो इस फॉर्मूले से बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए भी आपको पता तो होना चाहिए क्रिया के बारे में, वर्ब के बारे में, कि किसके साथ क्या लग रहा है। यहाँ पर हु है तो आप एम लगाएंगे आई के साथ, कि इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे। फिर गो है तो रहा हूँ के लिए आई एन जी लगता है, ये भी तो पता होना चाहिए आपको, कि सिर्फ आप उल्टा ही लिखते चले जाएंगे कुछ भी। तो ये बिल्कुल ही ट्रिक्स गलत है, ये कहना सही नहीं है कि इस ट्रिक्स को द्वारा हम किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अभी दूसरा सेंटेंस लिख लीजिए, उसे परेशान मत करो। तो अगर हम इसको बनाते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से कि उसे परेशान मत करो, तो उसे मतलब ही हो जाएगा, फिर करो मतलब डू हो जाएगा, फिर मत मतलब नॉट हो जाएगा, फिर परेशान मतलब ट्रबल। तो इस ट्रिक के हिसाब से मैंने इस सेंटेंस को भी बनाया, ही डू नॉट प्रोव ट्रबल। तो क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत सेंटेंस है। तो इसका सही क्या होगा? इसका सही होगा डोंट ट्रबल हिम। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से सेंटेंस है, क्या तुम खेलने जाते हो? अगर आप इस ट्रिक्स को मानते हैं कि हाँ ये सही ट्रिक है और इस ट्रिक से इंग्लिश सीखा जा सकता है, तो फिर इस सेंटेंस को बनाकर दिखाओ, क्या तुम खेलने जाते हो? नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं ना। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, 80% सेंटेंसेस, जिसको हम इस ट्रिक्स के द्वारा बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, अगर बनाते हैं तो गलत होगा। मैंने तुमसे कल क्या कहा था, बना सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। मैंने होगा तो आई, कहा था मतलब सेड, क्या मीन्स व्हाट, कल मीन्स यस्टरडे, तुमसे मतलब टू यू या विथ यू। अब पढ़िए, आई सेड व्हाट यस्टरडे टू यू, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। इसको हम बनाते हैं, क्या तुम खेलने जाते हो? हम पहले लेते हैं क्या के लिए व्हाट, फिर हो के लिए आर, फिर जाते हो के लिए गो, फिर खेलने के लिए प्ले, फिर तुम के लिए यू। अब ये सेंटेंस कैसा होता है? व्हाट, आर, गो, प्ले, यू, क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल गलत सेंटेंस है। तो अब आपको समझ में आ गया ना, किसी को अंदर मत आने दो। तो इसको हम फॉलो करते हैं, उसी ट्रिक को फॉलो करते हैं, किसी को अंदर मत आने दो, एनीबॉडी। अगर हम एनीबॉडी लिखते हैं, एनीबॉडी, आने दो मतलब कम, उसके बाद मत, नॉट, अंदर, इन, एनीबॉडी कम नॉट इन, क्या ये सेंटेंस सही है? गलत है। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जो लोग आपको बेवकूफ़ बनाना जानते हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और आप बेवकूफ़ बन भी रहे हैं, और उसी तरह के वीडियो देखकर आपको लगता है कि अरे वाह क्या ट्रिक बताई है, लेकिन इंग्लिश कोई नहीं सीखता। फ्रेंड्स, ये भाषा है, लैंग्वेज है, लैंग्वेजेस को हम किसी भी ट्रिक से नहीं सीख सकते हैं। कोई भी ऐसा दुनिया में ट्रिक नहीं होता है जिससे हम कोई लैंग्वेज सीख जाए। ट्रिक होता तो सारे के सारे लोग आज इंग्लिश बोलते हुए नजर आते सड़कों पर, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सही चीज़ को आप देखना सीखिए, सही चीज़ को देखिए, जहाँ से सचमुच आप सीखने वाले हैं और सीखते हैं वहाँ से आप सीखिए। आप इसी इस तरह की ट्रिक्स पर, इस तरह के भूल भुलैया या बेवकूफ़ बनाने वाली बातों पर विश्वास करके आप उससे मत जुड़े रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये आप मान लीजिए कि ये जो ट्रिक, जिस ट्रिक से मैंने ये बताया है, उसी ट्रिक से सारे सेंटेंस नहीं बनाए जा सकते हैं। तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि चुटकियों में दुनिया के सारे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखो? बिल्कुल नहीं हो सकता ना। ओके फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि कोई भी ट्रिक्स नहीं होता है जिससे हम भाषा चुटकियों में सीख सके। कोई भी ट्रिक्स नहीं होता है, कोई भी जादू नहीं होता है। आपको भाषा अगर सीखना है तो सीखना ही पड़ेगा। और सीखने के लिए क्या क्या शर्तें होती है? सीखना कि क्या चीज़ कैसे बोला जाता है, उसके बाद उसको बोलने की कोशिश करना, सुनना, पढ़ना, रीडिंग, लिसनिंग एंड ट्राइंग टू स्पीक,
ओके फ्रेंड्स, इन चारों तीनों तरीकों से आप किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ। मैंने आपको शुरू में ही भी बताया था जब मैंने क्लास शुरू की थी कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए इन चीज़ों को फॉलो करना होगा, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ओके फ्रेंड्स, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप भूल भुलैये में नहीं पढ़ेंगे और किसी के बेवकूफ़ बनाने से आप बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।